अच्छा चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज हमने असाइनमेंट भेजा था, जिसमें वी हैव अ फॉल्टी थर्मामीटर विद इट्स रीडिंग्स 5 डिग्रीज एंड 95 डिग्रीज मार्क्ड एज देयर लोअर रीडिंग्स एंड अपर रीडिंग्स, अपर वैल्यूज। अब इस थर्मामीटर से अगर हमें कोई एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो एंड द थर्मामीटर गिव्स द रीडिंग 59 डिग्रीज, तो सेल्सियस में एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए हमारे पास, हमने रिलेशन बनाया सी माइनस 0/100 इज इक्वल टू द टेम्परेचर माइनस लोअर फॉल्टी रीडिंग अपॉन अपर फॉल्टी रीडिंग माइनस लोअर फॉल्टी रीडिंग। ठीक है, अब देखो ये हमने किया क्या, सेल्सियस के लिए नीचे हमारे पास कितना डिवीजन दे रखा है, 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस के, तो हमने लिया सी माइनस 0/100। वाई वी आर टेकिंग माइनस 0 है, क्योंकि इसकी लोअर रीडिंग कितनी है, 0 है। यहां आ गया मेरे पास वो नया स्केल जिसपे कि आपने टेम्परेचर मेजर करा, तो ये टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है, ये टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है। लोअर फॉल्टी रीडिंग हमें मालूम है, अपर फॉल्टी रीडिंग भी मालूम है और लोअर फॉल्टी रीडिंग भी मालूम है। यानी कि अगर किसी टेम्परेचर की लोअर फॉल्टी रीडिंग 5 है और अपर फॉल्टी रीडिंग 95 है, तो रेंज कितनी हो गई उस थर्मोमीटर की, 90 हो गई। अब यस सर। तो आप निकालेंगे सी माइनस 0/100 इज इक्वल टू 59 माइनस 5 अपॉन 90। अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 54/90, तो सी बाय 100 इज इक्वल टू 54/90। सॉल्व कर लिया, 540/9 यानी के 60 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सर। यस सर। अब यहां पर अगर सेल्सियस के बजाय कोई और उसमें निकालना होता तो क्या करते हैं, लेट से कि वो कहता र्यूमर स्केल में निकालो, तो र्यूमर में निकालते हैं तो क्या करते, फिर हम इसको लिखते हैं आर माइनस 0/80 इज इक्वल टू टी माइनस LFR अपॉन UFR माइनस LFR। ठीक है, तो सर अलग नंबर ऑफ डिविजन्स बस चेंज करनी होती है ना हमें, हाँ बस यही चेंज करना होता है। तो सर मतलब हर स्केल के अलग से डिविजन याद है क्या, रखनी पड़ेंगे या देंगे पेपर एक क्वेश्चन के अंदर? प्रभु चारी तो है, तो वो तो याद रखनी पड़ेंगी। तो सेल्सियस के 100 इतना पता, रूमर की 80 पता है सर, बाकी दोनों कैसे पता नहीं, केल्विन और फारेनहाइट क्यों, के? जब पहली क्लास थी उसमें बताया था टेम्परेचर की हाँ 100, ओ उसकी केल्विन की 100 होती है और फ़ारेनहाइट की 180 होती है। ठीक है सर, याद रखूंगा, केल्विन की 100 और फारेनहाइट की 180। ठीक हाँ, है सर। फ़ारेनहाइट स्केल लिख लो बेटा, फिर भी फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग्स होती हैं 32 डिग्री टू 212 डिग्रीज। ये 180 का डिवीजन है, 180 डिवीजन्स। केल्विन की होती है 273 से 373, ये आपके पास 100 डिवीजन्स है। र्यूमर की होती है 0 to 80, ये आपके 80 डिवीजन्स है। और सेल्सियस की होती है 0 to 100, अगेन ये आपके 100 डिवीजन्स हुए। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेटा, ये तो याद होना चाहिए आपको। सर कर लिया यार, पक्की बात? पक्की बात सर, अगली बार ही पूछूंगा ही नहीं आपसे, क्वेश्चन करके दे दूंगा। सही है, इसमें तो किसी को कोई और डाउट नहीं है। नहीं है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और काम करो, आपको एक कॉम्बिनेशन और लिखवा देते हैं, देखो ध्यान से, इसी को याद रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/180 इज इक्वल टू R/80। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब ये रिलेशन हमने बनाया कैसे है ये बताने की जरूरत है।
सर बता दो एक बार, ये बस डिवीजन समझ गया सर, 32 माइनस क्यों करना था फाइनाइट में? बेटा देखो बाकी सारे के सारे आर और सी दोनों कहां से शुरू हो रहे हैं, जीरो से शुरू हो रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो आप इसको ऐसा लिख लो, सी माइनस जीरो आर माइनस जीरो, लेकिन फारेनहाइट कहां से शुरू हो रहा है से? तो सर केल्विन में भी 273 आएगा। हाँ केल्विन में आएगा माइनस 273। हाँ जी, के माइनस 273 अपॉन 100, डिवीजन तो 100 है। ओके सर। चलो सर बेसिकली सर बेसिकली फारेनहाइट और केल्विन में जो लोअर लिमिट है वो सब्ट्रैक्ट करनी होती है ना बस। हाँ। और फिर डिवीजन से डिवाइड करना होता है। बिल्कुल सभी में करा है ना, यहाँ पर भी लोअर लिमिट जीरो है, यहाँ पर भी लोअर लिमिट जीरो है, दोनों में ठीक है सर। ठीक है सर, समझ गया सर, अब हो जाएगा सर आंसर। सबको क्लियर है? सना क्लियर है? यस सर। वर्षा? यस सर। लावण्या क्लियर है बेटा? अनुषा क्लियर है? यस सर। समसृष्टि? यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ऑन फारेनहाइट स्केल इज 98.6 फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल? निकल जाएगा? यस सर। यस सबसे हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। नाउ सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही मतलब है यहां पर, ठीक है? फॉर विच द फारेनहाइट थर्मामीटर विल गिव डबल द रीडिंग। आपको सेल्सियस स्केल पे वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है ऑन विच फारेनहाइट थर्मामीटर गिव्स द डबल रीडिंग। निकाल लेंगे सर, एक बार ट्राई कर ले पहले। हाँ करो, जल्दी बताओ। ठीक है सर, एक मिनट सर। दक्ष हो जाएगा सर, सॉल्व कर रहा हूं सर, एक सेकंड। ठीक है, सर वही इक्वेशन में बस एक साइड पर टू लगाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो इतना आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा। आपको मैंने ये जो रिलेशन बताया सिर्फ यही रिलेशन को यूज करेंगे। उसने बोला कि अरे इसमें हमें सिर्फ सेल्सियस और फारेनहाइट का लेना पड़ेगा ना। हाँ सिर्फ सेल्सियस और फारेनहाइट का ले लो। देखो जरा, P अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब आपको रीडिंग निकालनी किसमें है, सेल्सियस स्केल में, और उसने कहा जो फारेनहाइट स्केल में उसमें रीडिंग कितनी दे रहा है, वो डबल दे रहा है। तो इसका मतलब लेट्स से कि यहां पर उसने वैल्यू दी 2 into temperature T minus 32, और C में उसने वैल्यू क्या दी मुझे, सिर्फ T। तो T by 100 ये 1/80, 10 से 10 गया सर। आगे आंसर 160 सेल्सियस आएगा, जो भी आएगा बेटा। दिस इज 18T, दिस इज 20T माइनस ऑफ 320। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आ जाएगा 2T is equal to 320. So T is equal to 160 degrees and this value is filled. Okay, sir. Okay. Manasvi, clear hai? Sir, yes, sir. सर इसके अंदर जब वो फारेनहाइट का थर्मामीटर डबल रीडिंग देगा तो वो सेल्सियस में दे रहा है ना, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम में ही है? नहीं, उसने क्वेश्चन जो पुट अप किया वो ये है, आप
सेल्सियस स्केल पे वो रीडिंग बताओ जिस पर के फारेनहाइट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की रीडिंग डबल दिखाए। ओके सर, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वो रीडिंग बताओ जिस पर सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल पर रीडिंग इक्वल आए। चलो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, निकालो। सर क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करना। लिखो क्वेश्चन, लिखो कैलकुलेट। यस सर। कैलकुलेट द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। कैलकुलेट द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल वेयर द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। वेयर द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल मतलब वो टेम्परेचर जिस पर के दोनों स्केल्स इक्वल रीडिंग शो करें। सर 40 इसे खाया था। 40 नहीं होता, -40 सर, -40 है। रटवाया था सर, सर आपको रटवाया था। हाँ जी सर, मेरे को भी याद। हाँ तो याद है ना, हमसे भी स्कूल में करा रहे थे -40 degrees, दोनों के सेम आया सर। प्रभु याद है ना सर, मैंने निकाल के करा है सर, मैंने निकाल के करा। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, निकाल के करा। गुड, क्या करेंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन सॉल्व करी उसमें से 2 हटा दोगे वैसे ही हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया c/100 = f - 32/180, इससे ये कट गया। तो ये हो गया, देखो c = 5/9 f - 32, और दोनों साइड को आप टेम्परेचर T लिख दो, t = 5/9 t - 32, t कैलकुलेट कर लो यहाँ से। सर ऐसे -20 होना चाहिए मेरे हिसाब से शायद। नहीं सर, 90 = 5t - 160, ठीक है ऐसा। मिल गई गलती। दिस इज 40 = -160, t = -40 degrees। तो आप इसको सेल्सियस में भी लिख सकते हो, फारेनहाइट में भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 4। द फंडामेंटल इंटरवल्स ऑफ टू थर्मामीटर्स एक्स एंड वाई। अच्छा बोर्ड क्लियर कर दूं यहां से। हाँ जी सर, सर ये मतलब अपर लिमिट हुई ना एक तरह से। एक मिनट यहां, अच्छा देखो, द फंडामेंटल इंटरवल्स ऑफ टू थर्मामीटर्स एक्स एंड वाई आर 60 degrees and 120 degrees रिस्पेक्टिवली। फंडामेंटल इंटरवल्स, ये अपर लिमिट हुई। वही सर अपर लिमिट। Their ice points are 10 degrees and 0 degrees respectively. यानी के lower most values हो गई ना ये। एक की हुई 10 degrees और दूसरे की हो गई 0 degrees. ठीक है? Yes, ठीक है sir. If y reads 100 degrees, what should x read? अगर y 100 degrees read करता है, then what should x reads? बन गया सीधा सीधा फॉर्मूला, x -10/60 = y - 0/120।
लिख सकते हैं? यस सर। तो सॉल्व कर ले बेटा, x की वैल्यू निकल जाएगी, y तो 100 दिया ही हुआ है, x माइनस 10 बाय 6, 6 भी क्यों, उसको 1 कर देते हैं। सर x की वैल्यू आगे से 60 है, 100 बाय 2, तो दिस इज 50, तो x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है? ओके सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप गलती मत करना बेटा, क्लियर है ना? आपको अप्लाई यही वाले रिलेशंस करने हैं सर, ठीक है? करो क्या सर? मैंने बोला टेम्परेचर वाले रिलेशंस में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वाले रिलेशंस अप्लाई करने हैं। ओके सर, करो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Consider a steel bridge 200 meter long in a locality where temperature varies from 243 Kelvin to 313 Kelvin. अच्छा चलो, T1 और T2 दे रखा है, T1 है हमारे पास सर, निकल जाएगा आराम से सर, 243 Kelvin, और T2 दे रखा है हमें 313 Kelvin सर। हाँ जी सर, वाला एक बार कुछ सॉल्व करके देख ले। हाँ करो करो, कोई नहीं, करो और बताओ, मैं इसके बाद ही करूंगा। देखना सर, आपको चार्ट पे लिखा है आंसर सही है। जीरो मीटर में लिखा है, सही है। कुछ सॉल्व किया है ना? हाँ सर, सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूं? अरे मैं आपके जब आपने भेजी थी ना तभी कर ली थी वो चीज। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं कैलकुलेटर लेके बैठी हुई है। नहीं नहीं सर, पहले भी कर चुकी हूं आपके साथ, फिर से कर ली हूं। नहीं सर, एक मिनट भेज रहा हूं आपको मैं सर। बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर पहले कर लिया है तो। आंसर है बेटा 0.154 मीटर्स या 1 या 15.4 सेंटीमीटर्स। सर एक बार चेक कर दो ना, आपको भेजा है। ऐसे कैसे यार, बाहर जाके चेक करना पड़ेगा। ओ सर व्हाट्सएप करा, लेकिन मेरा आंसर सर सही आ रहा है सर। चलो मैच कर लो, दक्ष हो गया, सॉल्व करूं। सर एक क्वेश्चन सर, अगर मैं सर अगर मैं 10 की पावर माइनस में लगा के अगर डेसिमल को लिख दूं, ठीक है ना वैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर से सही है मेरा। 11 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर केल्विन अल्फा दिया हुआ है, और हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द चेंज इन लेंथ। अच्छा देखो फॉर्मूला होता है बेटा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल निकालना था, L1 200 दे रखा है, अल्फा 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया, डेल्टा टी हो जाएगा आपके पास 313 माइनस 243। यही किया है? हाँ जी सर यही किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा फटाफट। सर 6 में दे रेडियस रखा है, निकालना लेंथ का चेंज है सर, कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़, जो निकालना है ना उसके लिए क्वेश्चन में गिवन मतलब इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर। एवरीबॉडी आंसर क्या था दो वाले का जो भी करा है? वो था बेटा 15.4 सेंटीमीटर्स। ओके सर, ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर, करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो भी कोई वैल्यूज है वो आपको दे रखी है बेटा। अच्छा ध्यान से देखो,
आपको सर्कुलर बॉडी दे रखी है, ठीक है, यानी सिलेंड्रिकल बॉडी है और वहां डायमीटर की बात कर रहा है वो, ठीक। कहता है अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड इन अ ब्रास स्टील एट 293 केल्विन, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली ड्रिल होल करोगे तो होल की कुछ डेप्थ भी होगी तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये मान लें कि डेप्थ नहीं है, थिन शीट है तो भी आप कहोगे कि भाई यहाँ सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। यही गलती है, गलती मत करना। आगे देखें न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां पर आपको अल्फा दिया हुआ है और निकालने को क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस होल व्हेन द शीट इज हीटेड एट 393 केल्विन। 293 से 393, अब डायमीटर अगर बढ़ेगा तो देयर इज अ चेंज इन लेंथ, उसका सर्कमफ्रेंस भी चेंज हो रहा है, एरिया नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। एरिया से मतलब नहीं है, वहां पर एक्सपैंड नहीं हो रहा ना, बीच में तो होल क्रिएट हुआ, ठीक है। यस सर। तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा, लेंथ आपके पास कितनी है, रेडियस दे रखा है, तो डायमीटर रेडियस अगर 1 तो डायमीटर कितना हो गया 2। हां जी सर। अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल1 अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा इज गिवन टू यू, यहां पर अल्फा है 18 × 10⁻⁶, 18 × 10⁻⁶। टेम्परेचर हो गया 293 से 393, 100। L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, डेल्टा L आ जाएगा, और या फिर चेंज मत करो तो आंसर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो सीधा सीधा आ रहा है बेटा ये, तो दिस इज 36 × 10⁻⁶। सर एक फिर से समझाना कैसे करा। देख बेटा ये एक होल है, इस होल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब आप उसको हीट करते हो तो ये होल बड़ा हो जाता है, यानी कि इसका डायमीटर कितना है मेरे पास, 2 सेंटीमीटर है ना। हाँ जी। बाद में डायमीटर वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे, तो देयर इज चेंज इन लेंथ व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड। और डेल्टा एल यानी क्या होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। अल्फा दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी 100 हो गया 293 से 393 में, L1 कितना था 2 सेंटीमीटर था, तो डेल्टा एल कैलकुलेट हो गया यहां से 36 × 10⁻⁴। तो फाइनल डायमीटर कितना हो गया, फाइनल डायमीटर हो गया बेटा 2 + 36 × 10⁻⁴। ठीक है। अरे फाइनल डायमीटर वाला पार्ट बताने के लिए 2 + क्यों कराऊंगे। देखो इनिशियल डायमीटर कितना बेटा आपके पास, 2 सेंटीमीटर। डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज आया ना डेल्टा एल तो। हाँ जी सर। तो चेंज का मतलब क्या होता है आपके पास, चेंज होता है डायमीटर 2 - डायमीटर 1, यही होता है ना। यस सर। व्हिच इज इक्वल टू 36 × 10⁻⁴। तो फाइनल डायमीटर d2 विल बी इक्वल टू d1 + 36 × 10⁻⁴। d1 तो 2 था ही, प्लस 36 × 10⁻⁴। यस सर। आगे अमन क्लियर है, क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर इसके अंदर हमें क्वेश्चंस के अंदर आंसर सेंटीमीटर में ही छोड़ना होता है क्या, कोई भी लेंथ यूनिट्स को। बेटा क्या होता है कि डेल्टा एल आप कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत छोटी वैल्यू है तो जनरली हम सेंटीमीटर्स में निकाल लेते हैं, बट मैंने आपको हमेशा ये सिखाया कि आप आंसर्स SI यूनिट में निकालेंगे। यस सर, उसी के लिए पूछ रहा था, आपने बताया था ना, इस बात को बार बार पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप SI यूनिट में आंसर निकाल के आओगे तो यू आर मच बेटर देन दोज हु आर कैलकुलेटिंग इट इन CGS और अदर यूनिट्स।
ठीक है, तो आपके आंसर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, आंसर हमेशा एसआई में ही निकालना है, ये अपनी एक हैबिट बना लो। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें। सर हो गया, हो गया। याशिका? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चंस क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलो करो बेटा, 7th क्वेश्चन ट्राई करो। अमन अनुषा सर क्लियर है? ठीक है। समसृष्टि क्लियर है? यस सर क्लियर है। विज्ञात सर? वो विज्ञात है, वो विख्यात है, वो बोले तो सही। अंजलि सर? हाँ जी बोलो सर। वर्कशीट के अंदर आंसर 2 समथिंग कुछ दे रखा है इस वाले 6th वाले का। हाँ तो बेटा देख ना, 36 को आप कैसे लिख सकते हो 0.0036। हाँ जी सर। इसको ऐसा ही लिखेगा ना बेटा, 36 into 10 to the power minus 4 को 36 upon 10 की पावर 4। यस सर। तो ये हो गया, तो इसको हम ऐड भी कर देंगे तो 2.0036 हो गया। ओके सर। ध्रुव क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके सर। सना 7th क्वेश्चन हो गया? यस सर हो गया। आंसर मैच हो गया बेटा? यस सर। ठीक है हो गया 7th। 7th हो गया तो 8th करो। कोई ऐसा जिससे 7th क्वेश्चन ना हुआ हो? हाँ ध्रुव देख बेटा, व्हाट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन टू आयरन नेल्स 20 meters लॉन्ग? 7 हुआ। क्या हो गया, आवाज नहीं क्लियर आ रही? क्या हुआ विज्ञान? उससे भी नहीं हुआ सर, वो ये कह रहा था। अच्छा 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 अच्छा, करा रहा हूँ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन टू आयरन नेल्स, व्हाट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल्स 20 meters long सो एज टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। द रेल्स आर लेड एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इज गिवन टू यू। यानी ये वही है 1.2 × 10⁻⁵। ये तो आयरन का याद ही हो जाना चाहिए आपको। अगेन स्पेस पूछ रहा है कि वो कितना निकालें। जनरली क्या होता है, दो जो आयरन रेल्स होती हैं, यानी ट्रेन जिसके ऊपर दौड़ती है पटरियों के ऊपर, वहां पर हम बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। तो हमें बेसिकली ये गैप देखना है कि ये गैप कितना हो सकता है, एक सफिशियंट गैप, एक रीजनेबल गैप। जो टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पर, T1 आपको दे रखा है 15 डिग्रीज, T2 बेटा आपको दे रखा है 20 डिग्रीज, यही दे रखा है ना? नहीं ना, 95 है सर। 95 का सर 40 दे रखा है। 40 दे रखा है, ठीक है।
यानी एक्सपेंशन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो 15 से 40 अल्फा आपको दे रखा है 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन या पर सेल्सियस ले सकते हो। और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, सब कुछ दिया हुआ है। जिनका हो गया उन्होंने ऐसे ही कराया? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। आंसर क्लियर हो गया। 6 × 10⁻³ यानी 0.6 सेंटीमीटर आ रहा होगा। उतना ही आया सर। ठीक है बेटा। ध्रुव अब हो जाएगा। कर रहा हूं सर। चलो बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। सर इसके अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है द लेंथ ऑफ द रॉड एट −20 डिग्री सेल्सियस ये L2 होगा ना अपना, ये मतलब 95 के अलावा दे रखा है ना, क्योंकि 95 पहले वाले पार्ट के लिए फिर −20 दूसरे वाले पार्ट के लिए। अच्छा रुको मैं पढ़ता हूँ। अ मेटल रॉड मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक मेटल रॉड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन इट इज हीटेड टू 95 डिग्री सेल्सियस द लेंथ बिकम्स 50.06 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड, अल्फा निकालना है, हो जाएगा सीधा सीधा ये तो। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड एट −20। हां बेटा 95 नहीं यूज करेंगे वहां पर, फिर 20 यूज करेंगे। यस सर, मतलब L2 है ना वो तो अपना, अगर L1 हम 50 ले रहे हैं नहीं, मतलब वो T2। हां T2, अगर T1 आप इनिशियली 20 ले लेते हो तो। हाँ जी सर। हाँ बेटा वही है। सो ये आयरन बार वाले क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो एक्सपेंशन आएगी? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। तो सर आंसर फिर मैच नहीं कर रहा। लेकिन वो तो 20 के लिए ही देख रहा है। अगर आपसे वो ये कहता कि व्हाट एग्जैक्टली इज द गैप बिटवीन टू आयरन नेल्स, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा व्हाट मस्ट बी द लेफ्ट। अच्छा हाँ कह रहा है व्हाट मस्ट बी द लेफ्ट। हाँ व्हाट मस्ट बी द स्पेस लेफ्ट, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जितनी इसकी एक्सपेंशन होगी उतनी एक्सपेंशन इसकी भी होगी इस तरफ। तो उसने आंसर में सिर्फ एक ही रॉड की या एक ही रेल की एक्सपेंशन दे रखी है। टोटल एक्सपेंशन निकालने के लिए, टोटल गैप निकालने के लिए, इफेक्टिव गैप निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर आंसर गलत है या हमें चेंज? उसने एक रॉड का दिया है, इफेक्टिव गैप निकालने के लिए बिल्कुल हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो अगर आंसर आ रहा है एक रेल का अगर आ रहा है तो ये गलत है। फिर सर 9th हो गया। अगर ये सिंगल रेल का आंसर ही आंसर दे रहा है तो वो आंसर गलत है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, 9th हो गया मेरा, 10th में सर तो हमें 0.1 का डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, इसे क्या हम L1 लेके करें या फिर डेल्टा L में रखें, क्योंकि सर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 10 में। यस सर, 10 में सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 रॉड्स, एक आयरन की एक कॉपर की है सर। ठीक है, एक मिनट अभी 8th और 9th डिस्कस हो जाने दो, 10th पे पहुंचते हैं तो 10th की बात करो। वो हो गए मेरे सर। बेटा 8 हो गया सबका। चलो पहले 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा एल आपको निकालना था, एल हमारा था 20, अल्फा की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी कितना हो गया हमारा 25। यही लिया बेटा,
ठीक है, 25 दुनी 50, तो ये हो गया 500 into 1.2 into 10 to the power minus 5, तो दिस इज 600 into 10 to the power minus 5 or 6 into 10 to the power minus 3 centimeter. This expansion is the expansion allowed for one rail. लेकिन उसने बोला था space, तो total space हो जाएगा क्योंकि जितना ये expand करेगा उतना ये भी expand करेगा. तो space आपको कितना रखना पड़ेगा? Double रखना पड़ेगा. तो total space will be 2 into 10 to the power minus 3 into 6, यानी सीधा सीधा करो इसको 12. ठीक है बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर है सबको 7? फिर उसमें आंसर गलत लिखा है, उसमें एक वायर का एक्सपेंशन दे रखा बेटा, वो गलत. ठीक है जी सर. अब आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे. अ मेटल रॉड मेजर्स, अच्छा पहले तो ये बताओ क्या 8 क्वेश्चन अटका किसी का? यस सर. ठीक है, यस सर. ये ना जो लोग मीटिंग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बेटा, मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो रहेगी, पता तो लग ही जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है सर. चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटल रॉड मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो L1 है 50 सेंटीमीटर एट T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. व्हेन इट इज हीटेड to 95 degree Celsius, T2 is equal to 95 degree Celsius. The length becomes 50.06. L2 is equal to 50.06 centimeters. Calculate the coefficient of linear expansion. अब ये तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं था. Alpha is equal to L2 minus L1 upon L1 delta T. अब ये हो जाएगा आपके पास L2 minus L1 0.06 upon L1 कितना 50, delta T कितना दे रखा है आपको 95 में से 20 गए 75 हो जाना चाहिए ये तो. सर अब पहले कन्वर्जेंस नहीं करेंगे? हाँ बेटा. सर पहले आपने बोला था ना सारे SI में निकालो मैंने. अब यहां देखना, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है. डेल्टा एल सेंटीमीटर में है, एल भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो डायमेंशनली कट जाएगा. यस सर. तो जरूरत नहीं है आप कुछ करने की. टेम्परेचर आपको दे ही रखे हैं. अब केल्विन में चेंज करो या सेल्सियस में चेंज करो, दोनों 100 डिग्रीज का डिविजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है? यस सर, थैंक यू. तो अल्फा तो कैलकुलेट हो जाएगा यहां से. Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन कहता है इसी का, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड. ये हो गया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड एट -20. लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है -20 पे, यानी L2 इज इक्वल टू L1 कितना 50, अल्फा कितना, फॉर्मूला लगा रहा हूं, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, L1 तो आ गया 50, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू ये आ गई 0.06 अपॉन 15 टू 75. डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहां पर 40 हो जाएगा. भाई 20 से -20 जा रहे हो ना, 40 हो जाएगा. यस सर. फिर हमें तो जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें -20 लेनी पड़ेगी फिर तो. है सर, फिर अगर 40 पॉजिटिव आना है तो फिर हमें तो इनिशियल -20 लेनी पड़ेगी.
T2 माइनस T1 है ना, तो माइनस आ जाएगा बेटा। यस सर, सर लेकिन लेंथ है वो माइनस में चली जाएगी फिर तो। लेंथ माइनस में होती नहीं है, आप वैसे वेरिएशन डिफरेंस निकाल लेना ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आप 40 रखो, डेल्टा टी आप देखोगे, जब आप बोलोगे डेल्टा टी ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हो, चेंज इन टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, तो इसको सॉल्व कर लेना यहां से ठीक है। हो जाएगा yes. Yes, sir. और अगर आप यहाँ माइनस ले लेते हो तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो वैसे भी वैल्यू 50 माइनस समथिंग करके आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 50 इंटू 0.06 इंटू 40 अपॉन 50 इंटू 75, 50 से 50 काट दो यहाँ पे, तो क्या बचा 50 माइनस 6 इंटू 40 बाय 75 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो ये चली गई, तो आंसर हो जाएगा 50 माइनस 24 अपॉन 750, ठीक है बेटा। यस सर, आप सॉल्व कर लो, 49 पॉइंट कुछ आंसर आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है ना, ठीक है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, T2 माइनस T1 जब आपने यहां करा था तो ये आ गया था आपके पास -20 -20 यानी के -40, वैल्यू डाल लो, वो कंप्रेस हो गया वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट, नाइंथ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ स्टील स्पैन ऑफ अ ब्रिज 0.5 किलोमीटर and it has to withstand a temperature of 5 degree Celsius to 50 degree Celsius. Length दे रखी है 0.5 kilometers and it has to withstand temperature of 5 to 50. T2 50, T1 5. What allowance should be kept फॉर इट्स एक्सपेंशन गिवन अल्फा दे रखा है स्टील का, दिस इज 10^-5, अल्फा फॉर स्टील इज 10^-5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एल, नाउ डेल्टा एल हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, एल है आपके पास 0.5 किलोमीटर। अब बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का? यस सर, सर ये तो हो गया। यस सर, हाँ बोलो सर। 8 में आपने जब 50 जब आपने वैल्यू जानी तो माइनस कैसे लगाया बेटा? डेल्टा टी क्या आ रहा है? -40 आ रहा है ना? यस सर। तो डेल्टा टी की जगह जब हम -40 लगाएंगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आई होप के क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्यूशन आप यहां से कर लेंगे। हो गया है सर। हाँ, तो दिस इज 22500 इनटू 10^-5। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या हुआ विज्ञान, आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत क्रैक हो रही है साउंड।
चैट बॉक्स में लिख के भेज दे, बता जाता है बता दे एक बार, क्या बता दूं? वंश बताना, क्या बताना है सर? मैंने नहीं पूछा था। अरे नहीं, विज्ञात ने पूछा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। विज्ञात एक बार चैट बॉक्स में लिख दे बेटा। चलो इतनी देर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सर आज कहां तक करवाओगे वैसे? ये वाला लास्ट है बेटा। अच्छा मैं कह रहा हूं 9 समझा दो एक बार फिर। अच्छा 9 समझा दो फिर से। सर देखो 9 के अंदर स्टील ब्रिज की जो लेंथ दे रखी है वो है 0.5 किलोमीटर्स। टेम्परेचर वेरिएशन जो वो विदस्टैंड करता है वो है 5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो डेल्टा टी हो गया 45, अल्फा उसका दिया हुआ है, तो हमारा जो रिलेशन होता है वर्किंग फॉर्मूला दैट इज डेल्टा इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। हमने 0.5 किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर्स में, सो दिस इज 500 मीटर्स, तो 500 इनटू अल्फा 10 टू द पावर माइनस 5 इनटू डेल्टा टी 45 आंसर आ गया। हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। एन आयरन रॉड एंड अ कॉपर रॉड लाइ साइड बाय साइड, एज द टेम्परेचर इज चेंज्ड द डिफरेंस इन द लेंथ्स ऑफ द रॉड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अ वैल्यू ऑफ 0.1 मीटर। अच्छा एक बात बताओ कि जो हमें दिया हुआ है, जो दो रॉड्स दे रखी हैं, दीज रॉड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है, तो दोनों का जो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दिस डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जितना ये एक्सपैंड करेगी उतना ही नीचे वाली भी एक्सपैंड कर रही है, तभी डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। यस सर। डिफरेंस कॉन्स्टेंट कितना है? 0.1 मीटर। ओके सर। तो यानी डेल्टा एल दोनों का सेम है? यस सर, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये किस किस का है? कॉपर का और आयरन का, ठीक है, तो डेल्टा एल ऑफ कॉपर दसवां क्वेश्चन विल बी इक्वल टू इट्स लेंथ ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा एल ऑफ आयरन इज इक्वल टू एल ऑफ आयरन अल्फा ऑफ आयरन इनटू डेल्टा टी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो और आंसर निकाल लो। हो जाएगा? यस सर, बस इक्वेट करना है ना। हाँ बेटा, एल ऑफ कॉपर अपॉन एल ऑफ आयरन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ कॉपर अपॉन अल्फा ऑफ आयरन, यही तो करना है। ठीक है, ठीक है सर। जन्म से मतलब एक की लेंथ नॉर्मल रखते हो और एक के में या तो 0.1 ऐड कर स्टार्ट कर ले, है ना सर? हाँ। तो किसी में से भी कर ले सर, जरूरी तो नहीं है ना कि एक किसी एक में से करना है। नहीं, किसी में से भी करके सॉल्व कर लो। तो यहां तक के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद 23 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व करके रखने हैं, यानी अगले 13 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके रखने हैं, ठीक है बेटा? ओके सर। और पेपर चल रहे सर? कोई बात नहीं, पेपर अब तो बेटा जैसे चल रहे हैं मुझे पता है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना। सर पढ़ाई चल रही है? सर पढ़ाई चल रही है सर, बहुत तेज एकदम, सब पूरी पूरी चल रही है। कोई बात नहीं, बहुत तेज चल रही है तो चलने दो, कोई बात नहीं।
ये भी पढ़ाई का ही पार्ट है। सुबह सुबह मेरे को बोलना था पबजी खेलते हैं, झूठ बोल रहा है। मैं तो ये पूरी बॉडी की मैं कह तो रहा हूँ के, और वैसे भी ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में आ रही हैं बेटा, पीटीएम में दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अरे सर पीटीएम क्यों ले भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। तू क्लास छोड़ के जा, मैं ये बात भी दिखा सर, आपने क्लास खत्म नहीं करी और ये क्लास छोड़ रहा है, मतलब कैसे बच्चे हैं ये? मैं बता तो रहा हूँ, ये वाली बात भी तो रिकॉर्ड हो गई। देख लो सर, मेरे पे लगा रही खुद पांडी, पिछली क्लास में एक बार भी नहीं। सिर्फ इतनी सी ही रिकॉर्डिंग का कैप्शन ना निकाल के, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट निकाल के तेरे पापा को सेंड कर रहा हूँ अभी। सर कुछ नहीं हुआ सर, मैं पढ़ तो रहा हूँ सर, देखो सारे क्वेश्चन कर रहे सर। चल ठीक है, 13 क्वेश्चंस अगले वाले सॉल्व करके रखने हैं। और दूसरी बात, सब लोग अब अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लें, ठीक, अगली क्लास में। क्लास में होमवर्क चेक करोगे फिर? हाँ करूंगा। अगली क्लास में सब लोग ये 13 क्वेश्चंस शो करेंगे पहले, और सना नेक्स्ट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बेटा बताती जाइयो, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, उसमें सबके कुछ कुछ टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? यस सर, सर मोस्टली उसी के थे, प्रोजेक्टाइल वाले थे। प्रोजेक्टाइल इतनी पीछे? नहीं वो सर उसका AITS है ना, अब तो पूरा 720 मार्क्स का। मेरे को भी है सर उसमें से तो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लेना फिर, तुम्हारी अलग से रख दूंगा आंसर ऑफलाइन का कुछ है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट का DDMA का ही कोई ऑर्डर नहीं है। इवन कल ही बोला है उन्होंने कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं और उन सब को अब कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है। सर हमारे फाइनल ऑनलाइन होंगे ना फिर? नहीं ये वाली जो वेव है इसकी पीक मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आके और फिर फ्लैट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्ट, और तब तक आप लोग वैक्सीनेट भी हो जाओगे तो ऑफलाइन ही रहेगा। इसके लिए वैक्सीन लगानी छोड़ो भाई, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं हम। सर मैं तो कोरोना पॉजिटिव हो गई, अब नेगेटिव भी हो गई, 3 महीने तक लगा ही नहीं सकती। अब 28 डेज है बेटा, 28 डेज में सर से क्लास मत लो सर, सर से क्लास मत लो सर, कोरोना पॉजिटिव थी सर, ये क्लास मत लो सर। हाँ मैं ऑनलाइन भी स्प्रेड कर सकती हूं सर, इसलिए मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर रही थी पहले। अरे नहीं बेटा, सब लोग सेफ रहो, ध्यान दो और मजाक ना करें, पढ़ाई करें, क्योंकि जैसी डायनेमिक सिचुएशन ये है, अभी ऑनलाइन हो गया, नो मैटर अगले 15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से सब कुछ ऑफलाइन हो जाए, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ ऑफलाइन हो जाए, ठीक है? तो ऑफलाइन हो गए तो फिर एग्जाम भी ऑफलाइन ही होंगे, याद रखना। जैसे लेकिन ये पीटी तो सर ऑनलाइन होनी चाहिए, 11th बस अब ऑनलाइन ठीक है सर, 11th ऑनलाइन खत्म हो दो बस, बाकी 12th पूरी ऑफलाइन पढ़ लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है सना, फिर तुम्हारी क्लास ना मैं अलग से रख दूंगा, अलग से अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेना अगर। हां सर, और रोटेशन में थी, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट अभी किया वो चैप्टर। कोई बात नहीं, तू एक बार ही निकाल ले बेटा सारी प्रॉब्लम्स, करते हैं। हां तो फिर थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, फिर आप आराम से पूछोगे आपसे सर। हां ठीक है, थैंक यू सर। 2-4 दिन बाद, लेकिन 16 से पहले ले लेना। हां आज क्या है, 11 नहीं 12 है आज। हां ठीक, तो मैं तो 2-4 दिन कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं परसों ही रख लेंगे। नहीं नहीं हम पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद 16 को टेस्ट है, 16 से जाए 15 को रख लेना है, 14 को वो आप बता देना कि आज रख लो कल रख लो जब रख लो, ठीक है? ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय सर, थैंक यू सर।